हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाता। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ मेरे स्टाइल में। यहाँ पर मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ और मैं किस चीज़ की पेंटिंग बना रही हूँ ये थंबनेल के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी हम उसका प्रोसीजर तो ज़रूर देखेंगे ना कि वो आखिर बना कैसे। एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। और यहाँ पर मैं गर्ल का फेस बना रही हूँ। एक्चुअल में मुझे जिस तरह का फेस चाहिए था वो बन नहीं पा रहा था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने आई थिंक 3 to 4 टाइम वो रब किया, फिर मुझे एक सेटिस्फेक्ट्री फेस मिला कि यस दिस इज़ परफेक्ट नाउ। और यहाँ पे मैं उसके हेयर को फिनिशिंग देती हुई और यहाँ मैं उसके गाउन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करती हुई। और ये धीरे धीरे हमारा गाउन रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स, आप में से किन किन को गाउन्स पहनना पसंद है और आप लोग किसने गाउन्स पहनते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर जाके बताना। और किस किस को हमारा इस गर्ल का ये वाला गाउन अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। ना सी, यहाँ पर मैं इस गर्ल को इस मून पर बिठा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये मून पर लेट कर बस नज़ारे ले रही हो। फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो अगर ये सच में पॉसिबल हो पाए तो। हाँ, कोई बात नहीं, वो दिन भी दूर नहीं। सो, देखते हैं आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मेरा मून भी प्रिपेयर हो गया है और मेरी गर्ल भी, और अब हम यहाँ पर अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं स्काई को, एक्चुअली मुझे स्काई को यहाँ पे नाइट व्यू देना है, नाइट का पूरा लुक देना है, बिकॉज वो गर्ल ऑफकोर्स मून पर बैठी है और मून हमें किस टाइम पे देखने को मिलता है, रात को। सो, यहाँ पर मैं जब ब्लू कलर कंप्लीट किया मैंने, फिर उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से उसके ऊपर वापस से फिनिशिंग दिया सो दैट थोड़ा सा नाइट वाला इफेक्ट हो सके हमारे स्काई पे। और स्टार्टिंग में हम पहले ब्लू कर लेंगे और उसके ऊपर ब्रश से फिर ब्लैक कलर से उसको पेंट कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो ब्लू के ऊपर ब्लैक कलर जाएगा उसकी वजह से हमारा स्काई थोड़ा डार्क इफेक्ट देगा, जो कि हमें यहाँ पे नाइट इफेक्ट देने के लिए ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने कलर को थोड़ा लाइट करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम पहले ब्लैक से थोड़ा डार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम डार्क कलर लेंगे ब्लू का, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे हम अपने शेड्स को थोड़ा थोड़ा लाइट करते जाएंगे। वो वाटर की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, आप चाहो तो वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही इसमें अच्छा ही लगेगा। नाउ सी, इसी तरह से धीरे धीरे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए पेंटिंग को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्काई को कलर करना ऑलमोस्ट हो गया है। अभी हम ऊपर से थोड़ा टच दे रहे हैं जहाँ पे हमें डार्क रखना है स्टार्टिंग का। जैसे मैंने बताया, टॉप टू बॉटम आते आते हमें लाइट करना है और स्टार्टिंग में हमें टॉप पर उसको डार्क कलर रखना है सो दैट ये नाइट वाली इफेक्ट अच्छे से हमें दे सके। तो हम उसी तरह से उसको बाद में कर सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पे मैंने ब्रश में वाइट कलर लिया और टूथब्रश जो हम यूज़ करते हैं, और उससे वाइट कलर से हमने स्प्रिंकल किया सो दैट वो हमारा नाइट वाला पूरा स्टार वाला इफेक्ट दे और हमारा जो स्काई है वो स्टार ही दिखे। तो हमने यहाँ पे नाइट वाली जो स्काई है हमारी उस पर स्टार का लुक दे दिया है ब्रश की मदद से, जिसमें हमने वाइट कलर यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे जो गर्ल है उसे
उसके गाउन को रेड कलर कर रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्केच कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो, एदर आप क्रेयंस यूज़ कर लो, पेंसिल यूज़ कर लो और स्केच या फिर वाटर, वॉट एवर यू लाइक आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। और यहाँ पर मैंने इसके हेयर पे भी पेंसिल कलर से ब्राउन कलर किया था, बट लेटर ऑन उसके ऊपर मैं स्केच कलर भी कर दूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा पेंसिल कलर थोड़ा डल लग रहा है। और यहाँ पे मैंने स्केच कलर से येलो कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मून तो ऐसा येलो नहीं दिखता, बट हमें इसको एक शाइनी सा इफ़ेक्ट देना है, इसीलिए मैंने पहले येलो किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक्रेलिक वाइट कलर कर रही हूँ, सो दैट उसके नीचे का जो येलो है वो थोड़ा ग्लो करे इसके ऊपर और थोड़ा ये शाइनी दिखे हमारा मून। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हो, इससे हमारा मून और भी शाइनी इफेक्ट देगा, सी जैसा कि हमारा दे रहा है। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन कर रही हूँ थिन मार्कर से ब्लैक, हमारा पॉइंट जो है वो थिन ही रखना, जो इसमें जो मोटे वाला शेड होता है वो वाला आप मार्कर यूज़ मत करना, अदरवाइज स्प्रेड होने के चांसेस होंगे, सो जिसका पॉइंट थिन होता है आप वो वाला मार्कर ही यूज़ करना यहाँ पे आउटलाइन देते वक्त। और फिर जो भी हमारे माइनट जो वर्क हैं, जो सिलवटें हैं हमारे गाउन की, वो सारा हम इसके ऊपर से डिटेलिंग उसमें कर लेंगे इस मार्कर की मदद से। और फिर उसी तरह से हम अपने मून को भी आउटलाइन दे देंगे। फ्रेंड्स आउटलाइन देने के बाद किसी भी ड्राइंग का एक अलग ही इफ़ेक्ट दिखता है, सी जैसा कि हमारा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं इसके हेयर को ब्राउन कलर से स्केच कलर कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा डार्क दिखे, बिकॉज पेंसिल कलर से वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। सी यहाँ हमारा ड्राइंग ऑलरेडी है। कैसा लगा फ्रेंड्स आप सबको? अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगी है, हाँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।